Hi, this is Khushbu with another question of polynomials. This is question number 11 from exercise 2.5, page number 49 from NCERT. It says factorize 27x³ plus 5q plus z cube minus 9xyz. So, हमारे पास एक identity होती है, which is aq plus bq plus cq minus 3abc is equal to a plus b plus c. Bracket में a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c. This is right. यहाँ पर भी same form बन रही है, अब देखते हैं तो 27x³ को लिख सकते हैं 3x का whole cube plus y³ को लिख सकते हैं 5q, z³ को लिख सकते हैं z³, 9xyz, basically क्या है 3abc, इसे लिखेंगे 3, a की जगह पर क्या 3x, b की जगह पर y, c की जगह पर z. वापस मल्टीप्लाई करके देखिए 3 3 9 x y z 9 x y z. अब इस चीज को ये वाली चीज ये वाली चीज सेम है, इसको लिख सकते हैं हम इस फॉर्म. तो हमारे पास आता है a plus b plus c. तो a है 3x, b है y, c है z. ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab minus bc minus ca. ये सारी बातें सोच कर तो ये बनता है 3x plus y plus z equal to क्या? 3x का स्क्वायर इज 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3x. ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई करके इनको लिखते हैं 3xy. y और z को मल्टीप्लाई किया तो y से, z को 3x से किया तो 3xz. सो ये आगे हमारे पास इसको एक्सपैंड करके इसको फैक्टराइज करके आगे. सो जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए हो जहाँ तीनों में पहले एडिशन में क्यूब हो रहा है, फिर माइनस 3 a b, तो सी ये फॉर्म हमारे पास, उसको खोल के ये लिख सकते हैं या इस फॉर्म से हम इसको इस फॉर्म में ला सकते हैं. सो दिस वॉज 11 क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 2.5 एंड लुक फॉर द नेक्स्ट वीडियो फॉर सम मोर क्वेश्चन. गुड बाय.